जो भी अल्लाह दे पैगंबर मिंबर रसूल ते चढ़दे हन ते आमीन कोई ना आदे हन पहली सीढ़ी ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखे ते आमीन आखे ने वल दूजी सीढ़ी ते कदम मुबारक रखे ने ते वल भी आमीन आखे ने त्रीजी सीढ़ी ते कदम मुबारक रखे ने ते वल भी आमीन आखे ने सहाबा ने सवाल किए अल्लाह दे पैगंबर वजह क्या है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरे यारो आए मेरे जान निसार सहाबा जिब्राइल ने त्राय बद दुआवां कीचन मैं आमना दलाल ने आमीन आखे ओ केरियन ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए जेरा बंदा अपने बूढ़े वाले दैन को अपनी जिंदगी दे अंदर जिंदा पाते और उनकी खिदमत निसी की थी ता जिब्राइल ने आखे ओ बंदा तबाह बर्बाद थी वे ता मैं आमना दलाल ने आखे आमीन। अजीज साथियों बहु इख्तसार दे नाल बात समझावना मकसूद है साडे माशरे दे अंदर वालिदैन दी कदरो कीमत को नहीं समझा वेंदा। चंद डींहां दा वाकिया है पाक पतन दे अंदर तुसा सोशल मीडिया ते डिठा होसी एक बद बद बेटा चंद जमीन दी कनाल दे उते बाप को घिलेंदा रह गए और थुड़े मरेंदा रह गए आखिरकार बद बद बेटे ने बाप जा पसलियां त्रोड़ दे जाए। अजीज साथियों अपनी पैदाइश देख जेरे वेले तू इस दुनिया ते आई ते को तकलीफ थींदी आई बाप आराम दे नाल कोई ना सुनदा हा मां भी रोटी सकून दे नाल कोई ना खांदी है तू थोड़ा जिया वड़ा थींदा आई बाप तेरी उंगल मुबारक पकड़ ते अपने दोस्तें दी अगर दावत ते गए ता ते को नार रलाते गए अगर कहीं मोड़ते होते गए तो तेरे को नाल रलाते गए तेरी सू सुजान करवावन वाला तेरा अब्बा आज बद बख्त जालिम बेटा अगर अपनी पदेश को चढ़े तो अल्लाह की कसम चाहते है बाप को करी उफ तक भी कोई ना आसी। बाप जेरे वेले तू वड़ा थी जाई अल इख्तसार नाल जेरे वेले वड़ा थी जाई तेरी शादी थे ही बाप ने तेरे स्कूल देवे दाखला करवाया और कोई माली ताकत उनको कोई ना है आखिरकार तंगारियां सर ते चाते मेहनत मजदूरियां करते तेरिया फीसा भरेंदा रह गए तेरिया किताबा घिंदा रह गए आज जालिमा आज जेरे वेले तू शादी शुदा थी अपने बुढ़े वाले दैन को अपने घर को हूंदी भरी हुई कोठी दे विचों निकालते को बाण दे जरा सोच अरब दा कुरान पढ़ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाए वकदा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसान अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला कर दिया है लोगों मैं रब दी इबादत दे बाद मैं सच्चे रब दी इबादत दे बाद अगर तुआड़े हक रख दें तो तुआड़े ये बुढ़े बुढ़े वाले दैनन इन्हें दी खिदमत कर इज्जत कर इन्हें दी देखभाल कर जिमें इन्हें छोटे ला तेरी परवरिश की पलेंगे पलेंगे तेको वड़ा की देने ओ यारो जेरे वेले तेरा बुढ़ा वाले दैन तेरी जिंदगी दे अंदर बुढ़ापे तक पहुंच गए तेरा हक बन दे उन्दी तो खिदमत कर आ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए न सहाबी रसूल आते आखन लग दे अल्लाह दे पैगंबर मैं को ए दसो मेरी खिदमत मैं किदे नाल ज्यादा करा नबी करीम
करीम सल्लम ने फरमाया उम्मुगा अपनी अम्मा दे नाल ज्यादा खिदमत कर, हुस्ने सलूक दे नाल पेश आ, उंदी देखभाल कर। वल साहबी रसूल ने पूछे अल्लाह दे पैगंबर ईद बाद वल मैं किंदी खिदमत करा, उम्मुगा अपनी अम्मा दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आ। त्रीजी मर्तबा वल भी नबी करीम सल्लम ने फरमाए उम्मुगा अपनी अम्मा दे नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश आ। चौथी मर्तबा साहबी रसूल ने पूछे अल्लाह दे पैगंबर वल मैं किंदे नाल खिदमत ज्यादा करा, किंदी देखभाल करा। नबी करीम सल्लम ने फरमाए कायनात दे लीडर पैगंबर ने फरमाए जेरे पीरो मुर्शिद ताए मैं कलमा पढ़े न हूं रसूल ने परवाए। चौथी मर्तबा अबू का तू अपने अब्बे दे नाल खिदमत कर, उंदी निगरानी कर, उंदी देखभाल कर, ओ बुढ़े थी गए उन्हें दी खिदमत कर। ऐ लोगो क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्राए दफा अम्मा दा जिक्र कीते, क्योंकि अम्मा त्राए तकलीफा दुनिया दे विच बर्दाश्त करें दिए। पहली तकलीफ होए जेरे वेले ते को जन्म दिता सी उमरे ओ तकलीफ, वल ते को खीर पिलेंदी रह गई है ओ भी तकलीफ है। अल्लाह दी कसम जा दे आदा ओ कलेजे वाले ओ जरा बात गौर कर दे, अपनी दिल आली तख्ती दे नोट कर दे वन, आज अपने वाले दैन की खिदमत कर। नबी करीम सल्लम ने फरमाए ये बुढ़े वाले दैन तेरे वास्ते जन्नत दरवाजा भी हैं, ते ये बुढ़े वाले दैन तेरे वास्ते दोजख दा भी, दोजख च भी बन सकदे। क्यों? वजह यह है कि अगर उन्हें दी खिदमत करे से तो जन्नत पे से, अगर खिदमत न की तो मेरा यारा वल दोजख दे विच जगह मिल जा। आज वक्त ही इज्जत कर अपने वालिदैन दी, हत्ता के काफिर भी है न तब वाल भी तेरा हक बन दे उन्हें अपने बुढ़े वालिदैन दी खिदमत कर। आ सुन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार है जिंदा नाम है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो। हुंदी एक बेटी है अम्मा आयशा को वड़ी जिंदा नाम है असमा। जेरे वेले जेरी असमा दी अम्मा है ओ मुशरिक है, कलमा कहना पढ़ियान मुशरिक है। आखिरकार सिद्दीक अकबर ने हदीस तवीले में काट शाट पिया करे ना, जेरे वेले सिद्दीक अकबर ने उनको कई वजह तो तलाक दी है। काफी अरसा गुजरता रह गए वल उहा ये असमा दी अम्मा ते हूँ अपनी बेटी दे घर कोई माली वजह तो वो बड़ी उनको जरूरत है, माल खत्म थी गया ऊ आते अपनी बेटी को सवाल कीते। फौरन असमा वाई ते अम्मा जान गुनु वाई ते आखन लगी है अल्लाह दे पैगंबर गुनु पूछो कि मेरे को मसला दसावेन कि अल्लाह दी कसम चाहते आदा। नबी करीम सल्लम गुनु अम्मा जान ने पूछा कि नबी करीम सल्लम ने फरमाया असमा को आखो अपनी अम्मा को जेरा माल जरूरत है तो को दे छोड़े, खिदमत कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बंदा है, एक बेटा है, शिकायत चाहते क्या खान लग दे अल्लाह दे पैगंबर मैं मेहनत मजदूरी करे ना मैं कमाना, जेरा कुछ कमाते आना मेरा वालिदैन मेरा अब्बा चा गिंदे। शिकायत कौन करेंदा पे, जग जान शिकायत लावे इतना अरमान कोई नहीं लगदा, दिल दा टुकड़ा गया खड़े, दिल दा जिगर गया खड़े, बे अपने अब्बे दी शिकायत करान क्या कन लग दे अल्लाह दे पैगंबर कमांदा मैं मेहनत मैं करे ना मजदूरिया मैं करे ना, जेरी कुछ कमा दिया ना अब्बा खर्च कर वेंदे अब्बा जागिंदे। ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए अच्छा कल मेरी अदालत दे अंदर अपने अब्बे को घेंदे आवनी, सुबह थे ते बेटा अपने अब्बे को आखन लग दे अब्बा ते को कहना दल लीडर पैगंबर सड़ेंदा पे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमान। ओ बदबख्त बेटा अपने जरे अबे दी शिकायत लाते आया, ओ बुढ़ा लकड़ दे सारे ते चलदा चलदा नबी तक पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, आए बुजुर्ग तेरे बेटे ने तेरी शिकायत की थी है के कमांदा ओए ते चा तू गिंदाई ते ओए लोगो फिकरा देवना चाना दिल अली तकजी दे नोट कर देवांज ते अल्लाह दी कसम जा दे आदा जेरे वेले ओ बुढ़ा बाबा सुने सी के मेरे बेटे ने शिकायत लगी है ते हूं आहा निकती है रोकता रोवन लगे। अए अल्लाह दे पैगंबर जेरा मेरी शिकायत तुआ को लावाना है ई गुनो पूछो तो सही जेरे छोटा जिया दी परवरिश कह की दिए। ए कमा ना सकदा ए तुर ना सकदा मैं कमांदा रह गया मजदूरियां करेंदा रह गया ही अपनी औलाद वास्ते। अज यो मेरा बेटा जेरे वेले कमावण दे लायक थे ते मेरी शिकायत चाहते आ गए ही वास्ते रब दा कुरान है वकाजा रब का अल्लाह ताबुदो इयाहू वबिल वालिदैन इहसाना।